नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और मैं पवन सैनी आज आपको अंगूर में वर्षा ऋतु में आने वाले एक बीमारी या रोग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फसल हार्वेस्टिंग की हम वीडियो बना चुके, कैसे हम फसल लेते हैं अच्छी क्वालिटी की वो सब कुछ बता चुके, कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे प्रूनिंग करते हैं सब बता दिए। परंतु कुछ बीमारियां भी लगती हैं, आप सभी को पता, पौधों में। और अंगूर की एक मुख्य बीमारी है जो वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा अटैक करती है, यानी बारिश होने पे सबसे ज़्यादा अटैक करती है। जैसा कि आप देख पाओगे, हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं अंगूर के, बहुत सारे बहुत बढ़िया हैं, किसी पे कोई बीमारी आई है, किसी पे नहीं आई है। तो मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूँ जो अटैक करती है बारिश में, कंटिन्यू दो दिन से ज़्यादा बारिश होने पर। एक बीमारी है जिसका नाम है एंथ्राकिनोज। दोस्तों, एंथ्राकिनोज अंगूर के लिए बहुत ही घातक बीमारी है, कई बार तो पौधा बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच जाता है, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है। कुछ वैरायटियां बहुत सेंसिटिव होती है, अंगूर लगने के समय भी ये बीमारी अटैक करती है, तब भी अंगूर के दानों पर चिड़िए की आंख जैसी आकृति या फिर छोटे छोटे गोल धब्बे आ जाते हैं, ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के, जैसा आप देख पाओगे। ये है एंथ्राकिनोज जो इस पौधे में आ चुका है और टहनियों पर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, एंथ्राकिनोज को हम कैसे रोक सकते हैं और पहचान, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पहचान है। शाखाएं इस प्रकार से, सबसे पहले मैं पहचान की बात करूँगा, थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे और इसके नुकसान के बारे में बात करेंगे कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो देखिए, पहचान क्या है दोस्तों, शाखाएं और पत्तियां इस प्रकार से हमें झुलसी हुई नजर आती हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रही हैं। देखने में लगता है जैसे गर्मी के प्रभाव के कारण हुई हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये एक रोग है, बीमारी है जो एंथ्राकिनोज नाम से जानी जाती है और ये बारिश ज़्यादा होने पर होती है। ये सभी क्षेत्रों में होती है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर भारत हो, नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सभी में ये बहुत तेज़ी से फैलती है। इसका उपचार क्या है दोस्तों, इसका उपचार है COC, नाम है COC, शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का स्प्रे 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें 7 दिन के अंतराल पर। दोस्तों, जैसे ही बारिश रुके तुरंत इसका स्प्रे करना चाहिए, जिससे इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो जैसा कि मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ कि ये एंथ्राकिनोज कितना खतरनाक बीमारी है, कितनी खतरनाक बीमारी है जो पौधे को कई बार बिल्कुल डैमेज कर देती है, यानी पौधा मरने की कगार पे आ जाता है। मैं आपको न्यू पौधे दिखा रहा हूँ जो हमने इसी साल लगाए थे। ये है मांजरी किशमिश का पौधा और देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। स्प्रे करने का मुझे समय नहीं मिल पाया, इस वजह से हमारी जो शाखाएँ हैं वो काफ़ी डैमेज हो गई हैं, परंतु चिंता की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जैसे ही बारिश का सीज़न ख़त्म होगा उसके बाद फिर से हमारी बेलों पे, जो हमारी वाइन्स हैं उन पे न्यू फुटाव आएंगे, नई कलियां स्टार्ट होंगी, जिन्हें हम एज ए बेत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या कर पाएंगे। ऐसा ना सोचें कि हमारी फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी, परंतु जिन क्षेत्रों में प्रभाव एंथ्राकिनोज को ज़्यादा रहता है वो समय समय पर दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करें, फंगीसाइड 7 दिन के अंतराल पर COC का इस्तेमाल करें और 10 दिन से 12 दिन के अंतराल पर आप M45 का स्प्रे ज़रूर करें, तभी इस बीमारी को रोका जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट बंगाल जैसे क्षेत्रों में एंथ्राकिनोज ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है नॉर्थ यानी हरियाणा राजस्थान के मुकाबले। तो वो लोग सही समय पर और सही ध्यान रखें अपने पौधों का, अंगूर के पौधों का COC का इस्तेमाल करें, M45 का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।